चलिए गाइस, लास्ट क्लास में वी वर डूइंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इंट्रोडक्शन करते समय वी कंप्लीटेड टॉपिक्स लाइक, मैंने आपको सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन बताई थी. जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कर रहे थे, वी स्टडीड कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरह के हो सकते हैं. दे कैन बी पेएबल टू बेयरर और दे कैन बी पेएबल टू ऑर्डर. पेएबल टू बेयरर और पेएबल टू ऑर्डर के हिसाब से हमने ये डिसाइड किया था कि वो फर्दर नेगोशिएट कैसे हो सकते हैं. जब आप पेएबल टू बेयरर की बात करते हैं, वो सिर्फ डिलीवरी के बेसिस पर नेगोशिएट हो जाएंगे. जबकि अगर आप पेएबल टू ऑर्डर की बात करते हैं, तो वो एक फर्दर स्टेप और चाहते हैं कि पहले आप एंडोर्स करें और उसके बाद उसको डिलीवरी दें सामने वाले को. तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से होते हैं. उसके बाद हमने बेस्ड ऑन टाइम ऑफ पेमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया था. फर्स्ट वॉज पेएबल ऑन डिमांड, अदर वॉज पेएबल ऑन पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड के केस में हमें मेच्योरिटी डेट निकालनी पड़ती थी. उस मेच्योरिटी डेट निकालने के रूल्स हमने देखे थे. 3 दिन ग्रेस का देना होता है. सेक्शन 24 समझा था, सेक्शन 25 समझा. सेक्शन 24 ने कहा था कि अगर पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर साइट के बाद का देन है, तो वो पर्टिकुलर डे ऑफ इवेंट आपको इग्नोर करना है. और सेक्शन 25 कहता था कि अगर पब्लिक हॉलीडे है, तो उससे प्रिसीडिंग वर्किंग डे के ऊपर वो पेबल हो जाएगा. देन वी डिस्कस्ड 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. हमने उनकी पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट पढ़ा कि प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, मेकर एंड द पे. चेक आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर, अ ड्रॉई एंड अ पे. वेयर एज अगर हम चेक की बात करें, यहाँ भी 3 ही पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पे. खासियत बस इतनी होती है कि यहाँ जो ड्रॉई होता है वो हमेशा बैंक होता है. नाउ आई एम कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड. आज हम प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक थोड़ा सा डिटेल में करते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विद मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मीनिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट. तो पहले हम प्रॉमिसरी नोट से स्टार्ट करते हैं. देन आई विल मूव फॉरवर्ड टू बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. इसको आप असेंशियल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट या फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट किसी भी नाम से पढ़ सकते हैं. सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद प्रॉमिसरी नोट. जब हम प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं, अ प्रॉमिसरी नोट इज डिफाइंड एज फॉलोज. अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अ सर्टेन पर्सन और द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन. Or to the bearer of the instrument. This is the definition of promissory note जो आपको negotiable instrument act में मिलेगी. Let us discuss the definition in detail. उन्होंने promissory note को कैसे define किया है. A promissory note is an instrument in writing. So first of all, तो आपको एक चीज समझ आती है, this has to be in writing. That means अगर आप एक promise कर रहे हैं, that is oral, जो आपने कागज पे नहीं उतारा, जो राइटिंग में नहीं किया, दैट कैन नॉट बी अ प्रॉमिसरी नोट. सेकंड, इट शुड कंटेन एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. हम लोग अनकंडीशनल वाली बात पढ़ चुके थे कि इसके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगी होनी चाहिए. अगर आप अपनी पेमेंट को डिपेंडेंट कर देते हैं किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, देन इन दैट केस दैट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड मेंशनड हियर, दैट इज कॉल्ड एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. तो आप समझेंगे अंडरटेकिंग वर्ड उसने प्रॉमिस के लिए यूज किया. एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, इट हैज टू बी साइंड बाय द मेकर, उसके ऊपर साइन करना है. टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली. सेकंड बेटा, यहां से इंपॉर्टेंट बात समझें, आपका जो प्रॉमिसरी नोट है, इट शुड बी ओनली टू पे मनी. यानी कि अगर आप प्रॉमिसरी नोट के थ्रू इन काइंड पेमेंट करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकती. इट हैज टू बी मनी ओनली. और जो ये पेमेंट करनी है, दिस इज टू बी टू अ सर्टेन पर्सन, हमारा पे का नाम लिखा होना चाहिए, और टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन. आप समझेंगे हमने लिखा था पे, आई प्रॉमिस टू पे टू बी योर ऑर्डर और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अब आप समझें, यहां एक दिक्कत आती है. अगर आप प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन पढ़ें,
तो उसने क्लियरली लिखा है कि टू बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये बन सकता है। लेकिन अगर आपको सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई याद आता है, उसने तीन चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी या दो चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, एक उसने इंस्ट्रक्शन दी थी आपको। पहले जो उसकी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि जो प्रॉमिसरी नोट है वो पेएबल टू बेयरर नहीं होना चाहिए। और अगर आप प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखें, उसने क्लियरली लिखा इट कैन बी पेएबल टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें से कौन सी चीज चलेगी? जो गाइस आपका सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट है, इट स्टार्ट्स विद वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ। नाउ दीज वर्ड्स नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ मीन्स वो सारे के सारे एक्ट जितने भी उसके अलावा हैं सबको ओवर रूल करता है। तो आप समझेंगे सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई इट ओवर रूल्स द प्रोमिसरी डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो आपको कायदे से ये डेफिनेशन अमेंड करके ये वाला पोर्शन ठीक कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के अंदर अमेंडमेंट आई भी, डेफिनेशंस के अंदर अमेंडमेंट आई, सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स आई भी हैं 2015 के अंदर, स्टिल दिस पोर्शन हैज नॉट बीन अमेंडेड। लेकिन स्टिल अगर हमको सेक्शन 31 के हिसाब से पढ़ें तो हम ये समझ जाएंगे कि ये वाला जो पोर्शन है टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये इस डेफिनेशन के अप्लाई अब नहीं होता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट दिस पोर्शन हैज बीन ओवर रूल्ड। यही बात मैंने आपको बुक के अंदर क्लियर कर दिया, मीनिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट द डेफिनेशन हैज बीन गिवन। नीचे जो ये वर्ड्स है मैंने क्लियर किए हैं, द वर्ड्स और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टिल अपीयर इन सेक्शन 4 टू द एक्ट। दिस इज सेक्शन 4 जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, सिंस दीज हैव नॉट बीन डिलीटेड देयर फ्रॉम बाय द पार्लियामेंट, नेवरदलेस इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, द अफोरसेड वर्ड्स हैव बिकम इनऑपरेटिव और इनइफेक्टिव, देयरफॉर द प्रेजेंट पोजिशन इज दैट no person in India other than Reserve Bank of India or central government can make or issue a promissory note payable to the bearer of the instrument. तो आप समझेंगे definition हमारे सामने clear होगी। You need to remember this definition of section 4 promissory notes. उसने क्या दिया? It's an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to the certain person, to the order of certain person or to the bearer of the instrument. इस definition को जब भी आप लिखें सेक्शन 31 का जिक्र नीचे जरूर करें कि जो ये वाले वर्ड्स हैं टू द बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये अब इनइफेक्टिव हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट। असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट। आपको केस स्टडी बेस की ये प्रॉमिसरी नोट है या नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है वेदर द फॉलोइंग इज अ प्रॉमिसरी नोट। तो ये सारे असेंशियल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नंबर वन, अ प्रॉमिसरी नोट हैज टू बी इन राइटिंग, नथिंग टू एक्सप्लेन, अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है। देयर if it is in by oral words it is not a promissory note. Second part is important, it should contain an express promise to pay. Aapke promissory note ke andar ek promise to pay jhalakna chahiye, number one. Number two, sir kya promise word likha hona zaruri hai? Nahi, promissory note ke andar I promise word agar nahi bhi likha hua still it can be a promissory note agar uske andar se उसकी लैंग्वेज से पे करने की अंडरटेकिंग दिखाई देती है तो। बट अगर उसकी लैंग्वेज से पेमेंट करने की अंडरटेकिंग दिखाई नहीं देती, लैंग्वेज से सिर्फ यह समझ आता है कि सामने वाला व्यक्ति अपना डेट एक्नॉलेज कर रहा है, वो ये मान रहा है कि मेरे आपको पैसे देने बनते हैं और वो इतना बोल के चुप हो रहा है, वो ये नहीं बोल रहा मैं दूंगा, इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट में देयर हैज टू बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, बट एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे डज नॉट ऑलवेज मीन द वर्ड प्रॉमिस हैज टू बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ प्रॉमिसरी नोट। इफ यू यूज एनी अदर टर्मिनोलॉजी ऑल्सो विच कैन सिग्निफाई योर अंडरटेकिंग टू पे, इट इज वेल एंड गुड, आप प्रॉमिसरी नोट बना रहे हैं। लेट अस टेक सर्टेन एग्जांपल्स। उसने एक वर्ड यूज किया, मिस्टर ए आई ओ यू रुपीज 10,000, इज दिस अ प्रॉमिसरी नोट? नो, दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट बिकॉज इसके अंदर उसने कहीं पेमेंट की बात नहीं करी। मिस्टर ए आई एम लाइबल टू यू फॉर रुपीज 10,000, अगेन दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट बिकॉज उसने क्या कहा है, मैं लाइबल हूं, मैं पे करूंगा कि नहीं, दिस हैज नॉट बीन पेड। तो आपको इस तरह के एग्जाम्पल पेपर में आ जाएंगे टू जज कि यह प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है। यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट द लैंग्वेज कि कहीं से क्या पेमेंट की अंडरटेकिंग दिखाई दे रही है। मियर अक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, सिर्फ डेट को मान जाना कि हाँ मैं आपको पैसे ओ करता हूं, दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, फर्स्ट वन आई, बेटा इसको नॉलेज को एक्नॉलेज करें, इसके आगे ए सी लगा लें, इट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन रुपीज 5,000
टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसीव. दिस इज द लैंग्वेज उसने यूज की. आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन रुपीज 5,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसीव. क्या प्रॉमिसरी नोट बनता है? यस, उसने बोला है मेरे पैसे देने बनते हैं और जब मांगोगे तब दे दूंगा. सो द प्रॉमिस टू पे इज डेफिनेट, देयरफॉर इट इज अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. मिस्टर बी, बेटा ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज हो गई है. आई ओ यू रुपीज 1,000. दिस इज ये वाला आई ओ यू. आई ओ यू रुपीज 1,000. दिस इज नॉट अ प्रॉमिस टू पे एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिस नोट. क्योंकि उन्हें सिर्फ क्या कहा है, मैं पैसे देना बनता है. आई ओ यू, देयर इज नो प्रॉमिस टू पे इट, देयर इज नो अंडरटेकिंग टू पे इट. नेक्स्ट, आई एम लायबल टू पे रुपीज 500. अगेन नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. नेक्स्ट वन, आई हैव टेकन फ्रॉम बी रुपीज 2,000 एंड आई एम अकाउंटेबल टू हिम फॉर द सेम विद इंटरेस्ट. अगेन देयर इज नो प्रॉमिस टू पे. उसने सिर्फ क्या बोला है, मैंने 2,000 रुपए लिए हैं और ये 2,000 रुपए विद इंटरेस्ट देने के लिए मैं अकाउंटेबल हूं. देयर इज नो ऑब्लिगेशन. वो अपने ऊपर कोई अंडरटेकिंग नहीं उठा रहा पे करने की. दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. दिस आर ऑल एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन इन द एक्ट इटसेल्फ. देयर आर 90% चांसेस वो इन्हीं एग्जांपल्स में से कुछ मिलता जुलता पूछे. स्टिल यू शुड बी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट, की कंसेप्ट क्या है. नेक्स्ट, इट हैज टू बी अ डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस बिकॉज द वर्ड यूज्ड इज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. अनकंडीशनल क्या होता है आप समझते हैं. इट शुड नॉट बी मेड कंटिजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट. एक कंडीशन यहां आपको मैंने आपको बता दी थी, अगर आप इसको कंटिजेंट करते हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, देन इट इज अ प्रॉमिसरी नोट. तो अगर आप इसको ऐसे इवेंट पे वो कर देते हैं कि ऑन द डेथ ऑफ सी, ऑन द 3 months आफ्टर द डेथ ऑफ सी, बिकॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन इज अ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, द टाइम मे बी अनसर्टेन, देन इन दैट केस इट इज अ प्रॉमिसरी नोट. But if you make it contingent on happening of some completely uncertain event, for example, if A marries B, if the ship returns, if I have sufficient amount to pay for you, ये सारी words क्या हैं? These are things which may not happen. ये चीजें ना हो, so these languages cannot be used. Again, it is not a promissory note. तो कहीं इसने example दिया, I promise to pay B rupees 500 7 days after the marriage with C. Not a promissory note. I promise to pay B rupees 500 on D's death. यहां तक होता तो काम चल जाता. उसने आगे क्या लिखा, provided D leaves me enough money to pay that sum. अब ये फिर contingent हो गया, क्योंकि आपने क्या उसको contingent इस बात पर नहीं बनाया कि D की death पे दूंगा. आपने क्या कहा, D की death पे दूंगा अगर D मेरे पास sufficient पैसा छोड़ गया तो. Now this is again uncertain, not a promissory note. I promise to pay rupees 500 on D's death. This is not a conditional. This is a valid promissory note because it is contingent upon an event which is certain to happen. ये वाला आपका promissory note होता है. Next, it has to be signed by the maker. Signature can be made on any part of the instrument and need not be at the bottom. ये बात बेटा law लिखता है, but by custom you understand signature हमेशा bottom में ही किए जाते हैं. Then there has to be a promise to pay a certain sum of money. आप समझेंगे, promise conditional नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात है. जो सम आप पे करने की बात कर रहे हैं वो भी सर्टेन होना चाहिए. आप ये नहीं कह सकते मिस्टर ए आई प्रॉमिस टू पे यू एज मच अमाउंट आई ओ यू, क्योंकि अमाउंट तो लिखा नहीं गया. कल को इस बात पे लड़ाई हो जाएगी कितना अमाउंट ओ करते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द अमाउंट दैट जो आप उसमें लिख रहे हैं. इट हैज टू बी सर्टेन, दिस अमाउंट हैज टू बी सर्टेन. तो उसने क्या लिखा, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम. Not a valid promissory note because आपने एक uncertainty छोड़ दी कि sum क्या pay करना है. I promise to pay rupees 500 first deducting there from any money which he owes to me. जो आप मुझे owe करते हैं पहले वो minus कर लूंगा और फिर 500 रुपए दूंगा. Again not a promissory note. I promise to pay rupees 500 and all the fines according to rules. Not a valid promissory note because the sum is not certain. लेकिन मैं अगर इस तरह की भाषा यूज करूं, I promise to pay you rupees 5,000 along with an interest of 12%. क्या ये चलेगा? This is a valid promise note because the interest can be calculated in this case. I promise to pay you $200 at an exchange rate of 70 rupees per dollar. चलेगा? At the exchange rate of, आपने exchange rate mention कर दी या कोई customary exchange rate आपके बीच में already तय है कि आप लोगों ने तय कर रखी है, that I promise to pay you ₹200 on the rate of exchange as agreed between us. Valid, चलेगा, क्योंकि आपने तरीका बता रखा है. हाँ, आप ये नहीं कह सकते ऑन द एक्सचेंज रेट दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन पर्टिकुलर डे. फिर वो अनसर्टेनिटी आ जाएगी कि उस दिन क्या होने. या तो आप बता दें या कस्टम से आपके बीच में कोई ऑलरेडी डिसाइड हो. तो दिस कैन बी अलाउड, इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं. ये बात उन्होंने नीचे सेक्शन में क्लियर करी है. बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन
5 para 3 the sum does not become indefinitely merely because kab kab wo indefinite nahi ho jata when there is a promise to pay the amount with interest provided the rate of interest is stated agar aap ye kehte hain I promise to pay you rupees 5000 along with interest nahi this is not certain I promise to pay you rupees 5000 along with interest at the rate of 10% certain ye chalega kyunki aapne interest rate certify kar diya next the amount to be paid the amount is to be paid at an indicated rate of exchange or according to the course of exchange or the amount is payable by installment this is important agar aapne amount installment se pay karna hai aur aap usme ye likhte hain ki agar maine ek installment pay nahi kari तो सारी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली चल जाएगा ये भी तो आप समझेंगे इस केस में आपने क्या लिखा है आप अमाउंट अनसर्टेन नहीं कर रहे आप ये कह रहे हैं कि 5 इंस्टॉलमेंट में देना है लेकिन मैं अगर किसी इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट करता हूं तो उसी दिन से मैं पूरे अमाउंट के लिए लायबल हो जाऊंगा दिस हैज ऑल्सो बीन अलाउड स्पेसिफिकली लिख के बोला गया ये द अमाउंट पे इज पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट्स इवन विद अ प्रोविजन दैट ऑन द डिफॉल्ट मेड इन पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट द बैलेंस अनपेड शैल बिकम ड्यू दिस इज ऑल्सो नॉट एन अनसर्टेन अमाउंट ये भी एक सर्टेन अमाउंट माना जाएगा दिस विल ऑल्सो बी अ वैलिड प्रोमिसरी नोट इंपॉर्टेंट पार्ट द हाईलाइटेड वन इफ द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड दोनों बातें लिखी है उसने प्रोमिसरी नोट की भी और बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए भी इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड इट वर्ड्स तब क्या होगा अगर बेटा मैंने चेक के ऊपर फिगर्स में वर्ड अलग लिख दिया और इन वर्ड्स अलग लिख दिया अमाउंट या बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कर दिया तो इन केस में कौन सा अमाउंट वैलिड माना जाएगा द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शैल बी द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड क्योंकि आपका टिकिंग वाला एक नंबर के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं दिस थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम कि आपका अगर वर्ड्स में अलग लिखा वर्ड्स आई मीन इंग्लिश वाली अल्फाबेट्स हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश में जो भी लिखते हैं आप एंड फिगर्स मीन्स प्रॉपर न्यूमेरिक फिगर तो अगर वर्ड्स और फिगर्स में डिस्टिंक्शन आता है दोनों मैच नहीं करती एक दूसरे के साथ देन द वर्ड्स विन जो आपने इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड्स होंगे आपके दैट विल हैव मोर मीनिंग देन द फिगर्स यू हैव रिटन सो द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शैल बी द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड दिस इज क्लियर गिवन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देन ये बात भी डेफिनेशन से निकल के आ रही है क्योंकि उसने वह वर्ड यूज किया टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली इट हैज टू बी प्रॉमिसिंग नॉट कैन बी आई प्रॉमिस टू पे इन मनी ओनली नॉट इन काइंड तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं आई प्रॉमिस टू पे 500 और एंड टू डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1st of January नेक्स्ट इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट बिकॉज इसमें मनी एंड इन काइंड भी लिखा हुआ है पे मस्ट बी सर्टेन अब समझे क्या क्या सर्टेन होना चाहिए अमाउंट सर्टेन होना चाहिए जो उसके ऊपर लिखना हुआ है आपने कंडीशनल नहीं होना चाहिए और जिसको पे करना है उसका नाम भी सर्टेन होना चाहिए अब यहां क्या होता है जरूरी नहीं है आप उसको नाम से लिखें मैं कई बार क्या कर सकता हूं एक आदमी को उसकी डेजिग्नेशन से भी पहचान सकता हूं आई प्रॉमिस टू पे द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रुपीज 50,000 क्या चलेगा बिल्कुल चलेगा बिकॉज द पे कुड बी मेड सर्टेन यहां पे सर्टेन है वी नो हु द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज आप ये नहीं कह सकते आई प्रॉमिस टू पे द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी क्योंकि उसमें क्लियर नहीं है बट इफ यू गिव अ डेजिग्नेशन ऑफ ए पर्सन इफ यू स्टेट द इफ यू डिस्क्राइब द पर्सन सफिशियंटली सो दैट ही कैन बी आइडेंटिफाइड Then in that case the pay is certain. तो जरूरी नहीं है pay का नाम ही लिखना है The pay has to be certain. उसने बस ये लिखा है कि pay certain होना चाहिए And the last, the promissory note has to be stamped. आप समझेंगे promissory note पे stamp लगती है Check, bill of exchange पे stamp लगती है Check पे कोई stamp नहीं लगती तो अगर आप check के बारे में बात करें बेटा check के कुछ जगह distinction है Check की acceptance नहीं होती भले वो bill of exchange होता है Check पे stamp नहीं लगती भले वो बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा होता है और चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक होता है ये बातें कुछ कुछ चीजें हैं जो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज से अलग कर रही होती हैं वी आर डन विद प्रॉमिसरी नोट की सारे एसेंशियल्स ये प्रॉमिसरी नोट की पार्टीज वाला पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि प्रॉमिसरी नोट में दो तरह की पार्टीज होती है वन इज कॉल्ड द मेकर अनदर वन इज कॉल्ड द पे आप समझेंगे इनमें से डेटर कौन होता है द मेकर जिसने पेमेंट करनी होती है द पर्सन हु इज ऑब्लाइज टू पे ही इज द वन हु राइट्स द प्रॉमिसरी नोट एंड पे इज यूजली द पर्सन जिसको पेमेंट मिलनी होती है इसके लिए फॉर एग्जाम्पल यहां उसने एग्जाम्पल दिया 60 डेज आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे मिस्टर जे एन वैश और ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 1000 ओनली विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड स्टैंप किया उसने अपना स्टैंप लगा के साइन किया राम इन दिस केस दिस राम इज द मेकर एंड मिस्टर जे एन वैश इज द
पे ही जनरल कॉमन चीजें जो हमने पढ़ी हुई थी, ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल हुबहू है जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। इंस्टीट्यूट हैज बीन आस्किंग देम फॉर 2 मार्क्स टिल नाउ, लेट अस सी वो आगे कैसे पूछता है। अगर वो इसको ऑब्जेक्टिव में डालना चाहता है तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, अगर वो इस तरह से पूछना चाहता है देन दिस यूजुअली कम फॉर इन एग्जाम फॉर 2 मार्क्स, तो ये 2 मार्क्स के 2 आए हुए थे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपको मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं उन्हीं में से उतर के आए हैं, यू कैन गो थ्रू इट वंस। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज। तो 4 में हमारा प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन थी, देन वी मूव टू बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन लगभग प्रॉमिसरी नोट जैसी है, सिर्फ आप समझेंगे वो अंडरटेकिंग वाले वर्ड्स ऑर्डर वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसने क्या लिखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, वहां क्या वर्ड था अंडरटेकिंग, यहां क्या वर्ड लिखा है ऑर्डर, साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अ सर्टेन पर्सन और द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब समझेंगे यहां भी बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, सेक्शन 31 फेर पंगा डालेगा। क्या सेक्शन 31 ने बेयरर बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करने से मना किया, सारे नहीं, बेयरर पेबल ऑन डिमांड वाले, बेयरर पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड वाले हो सकते हैं। तो आप समझे ये पूरी तरह इरेलेवेंट नहीं होता, सेक्शन 31 इसको पूरी तरह ओवर रूल नहीं करता, लेकिन इनमें से एक हिस्सा वो खा गया है, यानी कि जो बेयरर पेबल ऑन डिमांड है वो सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई की वजह से अब आप नहीं बना सकते। तो मैंने लिखा है ऑल्दो ए बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी ओरिजिनली ड्रॉन पेबल टू बेयरर बट इन सच केस इट मस्ट बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स आफ्टर डेट। इन अदर वर्ड्स अ बिल कैन नॉट बी ड्रॉन पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड, इफ इट इज पेबल ऑन डिमांड इट मस्ट बी पेबल टू ऑर्डर। तो अगर आप उसको पेबल ऑन डिमांड बना रहे हैं तो फिर वो बेयरर नहीं हो सकता, उसको आपको पेबल टू ऑर्डर करना पड़ेगा। तो आप समझिए सिर्फ एक चीज रोकी गई है यहाँ, पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड, कोई करेक्टरिस्टिक में नई बात नहीं है, इसलिए आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड देम, सारी बातें वही हैं। इट हैज टू बी इन राइटिंग, वो अंडरटेकिंग था, ये एक्सप्रेस ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर डेफिनेट होना चाहिए, साइंड बाय ड्रॉयर होना चाहिए, मनी के लिए होना चाहिए, एवरीथिंग इज सेम। ये वाली बात मैं पढ़ देता हूँ, द ड्रॉयर ड्रॉई एंड पे मस्ट बी सर्टेन, तीनों पार्टी सर्टेन होनी चाहिए, यूजली सेम पर्सन इज ड्रॉयर एंड पे। उसने क्या बोला है कि यूजली जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है वो टू ड्रॉन्स टू वंस ऑन ऑर्डर होता है, वो वर्ड्स कैसे होते हैं पे टू मी और माई ऑर्डर वाला। लेकिन हमने और भी देखा था जहां हमने थर्ड पार्टी को स्टार्टिंग में कर दिया था पे टू सी और ऑर्डर वाला, तो वहां पे ही अलग भी हो सकता है, एंड इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। अगर हम पार्टीज की बात करें, देर आर 3 पार्टीज, द ड्रॉयर द ड्रॉई एंड द पे, इन तीनों में से आप ये पहचानना जानते हैं, द पर्सन हु इज साइनिंग इज द ड्रॉयर, द पर्सन टू हुम इट इज ड्रॉन जिसको एक्सेप्ट करता है इज द ड्रॉई, एंड इन हुज फेवर द पेमेंट इज टू बी मेड इज नोन एज द पे। ये सब हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दिस पार्ट यू विल हैव टू डू योरसेल्फ, बट अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या होता है, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ पॉइंट्स अभी आपको समझ नहीं आएंगे, बट वंस आई एम कंप्लीट विद द चैप्टर आई विल कम बैक टू इट। तो एक बार आपको घर पर रीड करिएगा, इसमें 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो शायद आपको समझ ना आए फिलहाल इस समय, वो बिल्स इन सेट्स हो सकते हैं, ये सब हो सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो सब कुछ क्या होता है। आई एम कमिंग टू सेक्शन 6। तो समझेंगे 3 सेक्शन हम कर रहे हैं, सेक्शन 4 वॉज प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 5 इज बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 6 इज डेफिनेशन ऑफ चेक। चेक की डेफिनेशन में आए, क्या लिखा है डेफिनेशन, बट पहली लाइन पढ़े, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, उन्होंने डेफिनेशन यहीं से शुरू करी, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। यहां से हमारा पहला डिफरेंस आना शुरू हुआ कि ड्रॉई हमेशा बैंक होता है, एंड ये लाइन पढ़े क्या लिख रहा है, एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, यानी कि अदरवाइज पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड नहीं होना चाहिए, आम भाषा में क्या होना चाहिए, पेबल ऑन डिमांड होना चाहिए। तो मैंने इसको क्या कहा, सिंपल भाषा में क्या है, इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। तो आपका एक्ट लैंग्वेज को सीधा नहीं लिख रहा, वो घुमा के लिख रहा है उस बात को। उसने क्या लिखा है, ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स, ये वाला पोर्शन मुझे समझाने की जरूरत है, द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आपने 2 बातें लिखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ए ट्रंकेटेड चेक एंड ए चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये क्या होता है आई विल बी डिस्कसिंग। बाकी डेफिनेशन हमें क्लियर होती है, चेक क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है और हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होता है। करेक्टरिस्टिक्स देखें, सारी बातें सेम बेटा, जो इंपॉर्टेंट बात मुझे पढ़ाने लग लगती है इसके अंदर, इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, एक नई बात डेफिनेशन से निकल के आती है, इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड,
वह अभी वहां से निकल के आती है और दो चीजों को अलग करती हैं। चेक डज नॉट रिक्वायर स्टैंप, उस पर स्टैंप की जरूरत नहीं होती और उस पर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। पार्टीज टू अ चेक की बात करें तो वही बिल ऑफ एक्सचेंज वाली तीन पार्टीज, वन इज द ड्रॉयर, अनदर वन इज द ड्रॉई एंड द थर्ड वन इज द पे। इस केस में जो ड्रॉई होता है वो हमेशा बैंक होता है जिसके ऊपर चेक ड्रॉ किया गया होता है। इस ड्रॉई बैंक का कस्टमर ड्रॉयर होगा जिसने अपना खाता वहां खुला रखा होगा और कस्टमर ने जिसको पैसे देने होंगे वो पे ही होगा क्योंकि उसके फेवर में चेक दिया गया होगा। यहां आ जाते हैं मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक, इस कंसेप्ट को समझते हैं। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रंकेटेड चेक? ट्रंकेटेड चेक समझने के लिए बेटा मुझे थोड़ा सा आपको पहले चेक के बारे में कुछ बातें अलग बतानी पड़ेंगी। इस एक्ट की दिक्कत ये है, ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिक्स हुआ एक्ट है, तो जो चीजें मुझे आगे पढ़ानी है मुझे पहले थोड़ी सी डिस्कस करनी पड़ती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए चेक, इसके साथ पहले आपको एक कंसेप्ट ड्रॉ करता हूं फिर आपको ट्रंकेशन का मीनिंग समझाता हूं। Okay, this is the check. Now, in this case, first of all, this A is the drawer, ICICI Bank is the drawee, and B is the payee. It's a bearer instrument. हमने bearer नहीं काटा, यानी कि इसकी payment, first of all, इसकी payment कहाँ से ली जा सकती है? You need to approach ICICI Bank. आप ICICI Bank जाएंगे कि आप समझेंगे, ये ICICI Bank को दिया गया order है, तो इसकी payment तो ICICI Bank ही करेगा. Now, suppose I am B, मैं इसको ICICI Bank लेके जाऊंगा. ICICI बैंक देखेगा कि ए उनका कस्टमर है, दे विल पुट दिस अकाउंट नंबर इनटू द सिस्टम, दे विल फाइंड आउट द सिग्नेचर ऑफ ए, दे विल मैच द सिग्नेचर ऑफ ए, दे विल चेक उसके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं कि नहीं है एंड दे विल हैंड ओवर 10,000 रुपीज टू मी। दिस इज हाउ अ चेक वर्क्स, ठीक है? यानी कि मुझे अगर वो चेक देके गया मुझे ICICI की ब्रांच जाना पड़ेगा इसको लेने के लिए। अगर इसको बेटा मुझे आगे ट्रांसफर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बियर एन इंस्ट्रूमेंट है, सामने वाले को पकड़ा दें, सामने वाला उसको कहां लेके जाएगा पेमेंट करने के लिए? बैंक लेके जाएगा, ICICI बैंक। ICICI बैंक फिर क्या देखेगा? ए के सिग्नेचर हुए हैं 10,000 रुपए अकाउंट में पड़े हैं, वो ये देखने की कोशिश करेगा ये बी है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि ये आपने बेरर लिखने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग खत्म कर दी है। वो क्या कह रहा है? बेरर है, फिर भी वो फॉर्मेलिटी के लिए अगर आप बैंक गए हैं तो क्या करते हैं, आपने कभी देखा होगा, सर चेक के पीछे अपना नाम और फोन नंबर लिख दो। नाम लिखवा लेते हैं, फोन नंबर लिख देते हैं, कल को अगर कोई पूछने आए कि चेक की पेमेंट कौन ले गया था तो उनके पास जवाब हो, वो चेक के पीछे आपका नाम और फोन नंबर लिखवा देते हैं। अब सपोज करें गाइस ये एक सी था और ये चेक बी ने सी को दिया तो बात ठीक है कि वो पेमेंट ले आया। इस बार पेमेंट या चेक बी ने सी को दिया नहीं, सी ने खुद उठा लिया, यानी कि सी ने चोरी करी चेक की। अगर वो इस चेक की चोरी करके चला जाता है और बैंक से इसकी पेमेंट मांगता है, क्या बैंक पेमेंट कर देगा? बिल्कुल कर देगा। क्या थोड़े दिन बाद एक को भी पता चल जाएगा कि पेमेंट हो गई? यस, डेबिट पर का मैसेज आ जाएगा आप लोगों के पास। क्या बी भी उसको बता देगा कि पेमेंट मेरे को नहीं मिली भाई, बैंक चेक चोरी हो गया? यस बेटा, बैंक के पास ICICI बैंक के पास ए पहुंचा कि आपने मेरे चेक की गलत पेमेंट कर दी। क्या ICICI गलती मानेगा? आपने ICICI ने कोई गलती की है? प्रैक्टिकली कोई गलती नहीं करी। कहेगा सर मुझे क्या पता ये बेरर है या नहीं है। उसने कहा अच्छा कुछ नाम पता लिखवाया? उसने कहा हाँ, ये आदमी अपना ये पीछे नाम लिख के गया था, ये आया था पेमेंट लेने। डू यू रियली बिलीव ये नाम असली होगा? डू यू रियली बिलीव ये फोन नंबर असली होगा? बेटा कोई भी चोर इतना बेवकूफ नहीं होगा अपना असली फोन नंबर पीछे लिख के चला जाएगा। द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट ट्रेस मिस्टर सी नाउ। बड़ा मुश्किल है, कंप्लेन लिखवाते रहे, सीसीटीवी फुटेज में शक्ल ढूंढते रहे उसकी, और अगर वो कैप पहन के आया हुआ था तो और काम खराब हो जाएगा, शक्ल भी दिख रही होगी उसके अंदर। देयर आर इश्यूज। तो हमने कहा जी एक दिक्कत तो ये है, इसमें दिक्कत क्या थी कि जो पेमेंट लेके जा रहा था वो बैंक में आता था, काउंटर पे खड़ा होता था, बैंक अच्छे अच्छे नोट की गड़ियां उसके हाथ में पकड़ा के उसको रवाना कर देता था।
एक ये दिक्कत है जिसकी वजह से उसको हम पकड़े नहीं जा रहे। हमने कहा अगर इस बी ने या अगर इस सी ने पेमेंट अपने बैंक अकाउंट के अंदर ली होती तो ये पकड़ा जाता, ठीक है बेटा। पहला तो मुझे दिक्कत क्या है कि ये चोरी होने पे पे हो जाता है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं बियरर काट देता हूं। अब क्या होगा अगर ये चोरी भी होगा तो बैंक के ऊपर जिम्मेवारी है, उसको पेमेंट करते समय ये देखना पड़ेगा कि जिसको वो पे कर रहा है वो बी है कि नहीं है। वहां तक तो मैं सेफ हो गया। अब सी इसको चुरा भी लेगा तो वो पेमेंट नहीं ले पाएगा, क्योंकि जैसे वो आईसीआईसीआई जाएगा आईसीआईसीआई क्या कहेगा, आप बी हैं, उसने पहले आईसीआईसीआई ने पिछली बार क्यों नहीं पूछा था, क्योंकि बियरर नहीं कटा हुआ था, उसको फर्क नहीं पड़ता था वो बी है सी है डी है जो भी है। अब वो पूछेगा कि आप बी हैं तो उस हद तक मैं सिक्योर हो रहा हूं, बेटा ये बी नहीं था, दिस वॉज पे टू रामलाल। अब एक दिक्कत आने वाली है, इस दुनिया में बहुत सारे रामलाल हैं, हर दूसरा व्यक्ति रामलाल है, एक रामलाल का चेक दूसरे रामलाल के हाथ लग गया तो आईसीआईसीआई बैंक फिर बेचारा पेमेंट कर डालेगा, क्योंकि अब उसको ये नहीं पता आपने इस रामलाल को पेमेंट करने को कहा था या इस रामलाल को पेमेंट करने को कहा था। तो आप समझे, आप बेरर कार्ड देने से चेक को ऑर्डर कर देने से कुछ हद तक तो उसको सिक्योर बना लेते हैं कि अगर आपके पेई के अलावा कोई पेमेंट लेने जाएगा द बैंक रिफ्यूजेस द पेमेंट। बट व्हाट इफ अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज द पेई रीचेस द बैंक, नाउ द बैंक कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेई यू हैव नेम्ड एंड द पर्सन हु इज बियरिंग द चेक, जो चेक को उठा के खड़ा हुआ है, बिकॉज दे बोथ हैव सेम नेम्स, तो वो पेमेंट कर डालेगा। प्रॉब्लम अभी भी वही है बेटा, रामलाल हो जाने से अब ये चोर, ये मिस्टर ए अगर दूसरा रामलाल बन जाए, इसको हम रामलाल टू कह देते हैं, ये रामलाल टू चोर अभी भी है और दिक्कत अभी भी वही की वही है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि चेक की पेमेंट कैश में ना हो तो ज्यादा अच्छा है। हम क्या चाहते हैं कि जिसने पेमेंट लेनी है वो इस चेक की पेमेंट ना अपने अकाउंट में ले ले, यानी कि वो एक बैंक अकाउंट खुलवाए और ये आईसीआईसीआई बैंक पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करे, उसको हरे हरे नोट निकाल के ना दे दे। कि नोट निकाल के देने से क्या होता है, दिक्कत समझ रहे हैं, उस आदमी को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, वो अकाउंट वो पैसे लेके चलता बनता है। अगर उसने अकाउंट में पैसे डलवाए होते तो आप समझे अकाउंट में तो आपकी पूरी जन्म पत्री है, आपके फादर का नाम एड्रेस फोन नंबर सब लिख के रखते हैं वो, तो अगर ये रामलाल टू अपने अकाउंट में डलवाएगा तो ये फंस जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा किसके अकाउंट में गई। अब मैं बैंक को ये इंस्ट्रक्शन कैसे दूं कि भैया इस चेक की पेमेंट कैश में मत करना। देयर कम्स अनदर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। क्रॉसिंग ऑफ चेक में क्या होता है, आप चेक के ऊपर दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज व्हाट इज नोन एज अ क्रॉसिंग ऑफ चेक, दिस चेक इज नोन एज अ क्रॉस्ड चेक। जिस चेक के ऊपर दो लाइनें ड्रॉ नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, एंड ओपन चेक, अनक्रॉस चेक कोई भी नाम दे दें, दिस इज नोन एज अ क्रॉस चेक। क्रॉसिंग करने से क्या होता है, आप बैंक को इंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि इस चेक की पेमेंट काउंटर ऑफ द बैंक पे मत करना। काउंटर ऑफ द बैंक का मतलब आम भाषा में क्या हो गया कि कोई आपके पास लेके आ जाए उसको पेमेंट मत करना। इसको हम टेक्निकली एक और तरह से बोलते हैं, इसकी पेमेंट सिर्फ किसी बैंक को करना। अब इसका क्या मीनिंग, बड़े जनरली लोग क्या बोल देते हैं, इसकी पेमेंट कैश में मत करना, दैट इज समहाउ नॉट अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन। क्रॉसिंग का एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, पहली बात तो ये इंस्ट्रक्शन कौन किसको दे रहा है, ए द ड्रॉयर अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्योंकि आप समझे बिल ऑफ एक्सचेंज है ही क्या, ऑर्डर है, ऑर्डर देते समय आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये बेरर काट के भी आपने इंस्ट्रक्शन दी थी, ये दो लाइने ड्रॉ करके भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और अब आप बैंक को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बैंक साहब मेरी चेक की जो पेमेंट लेने आए ये किसी इंडिविजुअल को नहीं करनी, ये एक बैंक को करनी है। अब आपने क्या लिख दिया, बैंक को करनी है। अब आप समझे रामलाल टू लेके पहुंचे चेक आईसीआईसी के पास, रामलाल टू से बैंक क्या, आईसीआईसी बैंक क्या कहने वाला है, आप बैंक नहीं लग रहे मुझे, आप तो इंडिविजुअल लग रहे हैं, आप किसी बैंक को लेके आई है पेमेंट लेने के लिए। कहता बैंक को लेके आऊं पेमेंट लेने के लिए, उन्होंने कहा हां जी आपका कोई बैंक है, उसने कहा हाँ मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने कहा आप उनके पास जाइए उन्हें कहिए कि वो आए आपके बिहाफ पर हमसे पेमेंट मांगने के लिए। तो आप समझेंगे बेटा, जैसे ही चेक के ऊपर दो लाइनें ड्रॉ हो गई पहली तो समस्या ही क्या आई, अब अगर मैं एक्चुअल में असली रामलाल भी हूं, पहले मैं पेमेंट लेने कहां जाता था, आईसीआईसीआई बैंक, अब मुझे कहां जाना पड़ेगा, अपने बैंक, वो आईसीआईसीआई बैंक शायद ना भी हो, तो मैं एग्जांपल क्या मान के चल रहा हूं, वो बैंक क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अब मैं अपने बैंक जाऊंगा। तो पहले तो आप समझे क्रॉसिंग करते ही
चेक की पेमेंट कौन से बैंक से लेनी है पहले तो यही बदल जाता है. द पर्सन हु इज द पे नाउ ही डज नॉट गो टू द ड्रॉई बैंक, ही गोज टू हिज ओन बैंक. वो वहां जाके क्या कहता है, सर मैं आपका कस्टमर हूं, मेरे को एक चेक मिला है, ये आईसीआईसीआई का चेक है, आईसीआईसीआई पेमेंट नहीं कर रहा, वो कह रहा है ये किसी बैंक को करूंगा, आप बैंक हो मुझे पेमेंट ले दो. क्या आपको आपको भी एसबीआई बैंक पेमेंट लेके देगा? यस बेटा वो मेरा बैंक है मुझे पेमेंट लेके देगा. अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, ये वैसे ऐसे वार्तालाप बेटा एसबीआई से होती नहीं है. वहां क्या सिस्टम होगा, आप जाएंगे बैंक के अंदर, बैंक में ये चेक डिपॉजिट करा देंगे. डिपॉजिट कैसे कराएंगे, वहां आपको एक पे इन स्लिप, एक डिपॉजिट स्लिप मिलेगी, उसी स्लिप के थ्रू आप कैश जमा कराते हैं. उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है 2000 के नोट कितने, 500 के नोट कितने इंटू लेके आप भरते हैं, उसी के एक पोर्शन में होता है चेक डिपॉजिट कराने का तरीका. चेक नंबर डाल दें, किस बैंक पे ड्रॉ है वो डाल दें, अमाउंट डाल दें. तो मैं क्या करूंगा, मैं उस डिपॉजिट स्लिप में लिखूंगा कि मेरा चेक नंबर जो आपको समझा यहाँ लिखा मिलेगा कि ये चेक नंबर है, ये आईसीआईसीआई बैंक पे ड्रॉन चेक है, ब्रांच भी लिख दीजिए आईसीआईसीआई बैंक की कौन सी ब्रांच लिखी हुई है उसके ऊपर, एंड उसके बाद कितने का अमाउंट है, और मैं अपना नाम नंबर, अपना नाम और अपना अकाउंट नंबर स्लिप पे लिख के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे दूंगा. दे भी क्या दूंगा, इसके ऊपर स्टेपल करके उन्होंने एक बॉक्स रखा होगा, उस बॉक्स में डालूंगा. इसको हम क्या बोल के आते हैं, हम अपना चेक बैंक में लगा के आए हैं. बड़ा लोग बाहर प्रैक्टिकली बोलते हैं मैं दो दिन हो गए चेक लगा के आया हूँ. दिस इज व्हाट इज लोन, चेक लगा के आया हूँ. चेक लगा के आया हूँ इज नथिंग, चेक लगा के आया हूँ का मतलब है अपने बैंक को चेक दे के आना, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी. ये आप BRS में पढ़ा करते थे, चेक सेंट फॉर कलेक्शन, वो ये होते हैं कि आपको चेक मिले थे, आपने अपने बैंक में डाले हैं ताकि वो बैंक किसी और बैंक से आपको उसकी पेमेंट लेके दे, क्योंकि उन चेक के ऊपर दो लाइनें ड्रॉ थी और उसकी पेमेंट एक बैंक को हो सकती थी. अब होगा क्या, शाम को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बॉक्स को खोलेगा. आप समझेंगे इस बॉक्स में से क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक निकलेगा, नहीं, सारे चेक दूसरे बैंकों के निकलेंगे. कोई ICICI का डाल गया होगा, कोई एक्सिस बैंक का डाल गया होगा, कोई HDFC का डाल गया होगा, लेकिन सब में एक खासियत होगी, ये सारे चेक जो एक तो क्रॉस्ड होंगे, दूसरा उनके ऊपर जो पेई के नाम लिखे होंगे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर होंगे, वो अपने बैंक इसलिए यहां के डाल गए हैं. अब शाम को क्या होगा, इसके पास अलग अलग बैंकों के बहुत सारे चेक इकट्ठे हो जाएंगे. क्या ये समस्या सिर्फ इसके साथ हुई होगी, ICICI अपने यहां बॉक्स खुलेगा, उसके पास भी बैंकों के चेक पड़े होंगे, एक्सिस बैंक अपना खोलेगा, वहां ऐसे बॉक्स मिलेंगे. अब आप समझेंगे अगर SBI के पास ICICI के चेक आए पड़े हैं तो ICICI के पास भी SBI के चेक आए होंगे, इसके पास अगर एक्सिस के चेक हैं तो एक्सिस के पास भी इसके चेक आए होंगे. और अब करना क्या है, SBI को इन ICICI के चेक्स को ICICI तक पहुंचाना है, एक्सिस बैंक वाले चेक्स को एक्सिस बैंक तक पहुंचाना है, HDFC बैंक के चेक्स को HDFC के बैंक के चेक तक पहुंचाना है. क्यों, क्योंकि बेटा पेमेंट तो वही करेंगे, पेमेंट क्योंकि उन्होंने सिग्नेचर मैच करना है, देखना है उनके कस्टमर में अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, फिर वो पेमेंट करेंगे. और पेमेंट किसको करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करेंगे. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आगे क्या करेगा, इस पे इन स्लिप के ऊपर आपका अकाउंट नंबर देखेगा और जब पैसा वहां से आ जाएगा इस पैसे को आपके अकाउंट में डाल देगा. दिस इज व्हाट इज नोन है, जिसको हम कहते हैं क्लियरिंग का सिस्टम. तो क्लियरिंग का सिस्टम क्या होता है, जहां पर आपका बैंक, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कलेक्टिंग बैंक. आप समझेंगे इसको कलेक्टिंग बैंक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पैसा कलेक्ट करके दे रहा है, पेइंग बैंक से पेमेंट लेके देता है. आम भाषा में क्लियरिंग वो प्रोसेस है जिससे चेक के ड्रॉयर का अकाउंट डेबिट करके उसके होल्डर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया जाता है. और ये क्लियरिंग कहां जरूरत पड़ती है, जहां पर चेक क्रॉस चेक्ड होता है, तो उस केस में आपको क्लियरिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कस्टम पे अलग बैंक का है, चेक अलग बैंक का है. यू नीड अ क्लियरिंग सिस्टम जहां पर बैंक एक दूसरे से पेमेंट लेकर दे दें आपको. अब इसके लिए क्लियरिंग होती कैसे थी, पहले कैसे होती थी क्लियरिंग, बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर जगह पर एक क्लियरिंग हाउस बनाया हुआ होता था, हर शहर के अंदर या जहां छोटे छोटे शहर हैं, कुछ गांव और शहरों का मिला के एक जगह पे क्लियरिंग हाउस बना देता था. क्लियरिंग हाउस क्या है, एक बैंक की ब्रांच बिल्डिंग जैसी ही दिखती थी. अब यहां पे शाम को क्या होता था, सारे के सारे बैंकों के लोग आते थे, स्टेट बैंक वाला आता था, एक्सिस बैंक वाला आता था, ICICI वाला आता था, HDFC वाला आता था. स्टेट बैंक वाला अपने साथ क्या लगा लाता था, बहुत सारे चेक रबड़ लगा के,
अलग अलग बंडल में बांट के, आईसीआईसीआई के, एक्सिस के, एचडीएफसी के। अभी क्या करते होंगे, आईसीआईसीआई वाला स्टेट बैंक वाले से मिलता होगा और उसको स्टेट बैंक के चेक पकड़ा देता होगा। स्टेट बैंक वाला कहता होगा रुक अपने भी लेता जा, वो आईसीआईसीआई के उसको पकड़ा देता होगा, समझेंगे चेक एक्सचेंज हो गए। ऐसे क्या होता होगा, ये एक्सिस के ही पकड़ाता होगा, एसबीआई के ले लेता होगा, एचडीएफसी के पकड़ाता होगा, एसबी के ले लेता होगा। जब ये बाहर निकलता होगा, इसके हाथ में सिर्फ सारे एसबीआई के चेक होते होंगे, इसके हाथ में सारे एक्सिस के होते होंगे, इसके हाथ में सारे आईसीआईसीआई के होते होंगे, इसके हाथ में सारे एचडीएफसी के होते होंगे। सारे अपने अपने घर चेक वापस ले जाते थे, वहां जाके सिग्नेचर मैच करते थे, उस पेमेंट को इन बैंकों को कर दिया करते थे, बैंक उन पेमेंट्स को आगे आपके अकाउंट में डाल दिया करता है। आप समझो प्रैक्टिकली पेमेंट करने की जरूरत पड़ती होगी नहीं, क्योंकि इसने इसको देने हैं तो इसने इसको भी देने होते होंगे, क्योंकि समझे बात तो वही है, कोई चेक उनके आपके यहां डाल गया, कोई आपके उनके वहां डाल गया, तो आप क्या करते होगे, शाम को सेटल कर लेते होगे, मैंने तेरे इतने हजार देने हैं, इतने करोड़ देने हैं, तूने मेरे इतने करोड़ देने हैं, नेट इतना रह गया। क्या बैंक इतने भी दूसरे विश्वास रखते होंगे? बिल्कुल, क्योंकि आप समझे कुछ ना ही भी रखते होंगे तो बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा है। तो दिस इज हाउ बैंक सेटल है, हमारे मतलब की बात नहीं है, बैंक कैसे सेटल करते हैं, बैंक अपना देखें हमारे अकाउंट में पैसे वो दे देते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ क्लियरिंग हाउस। अब इस क्लियरिंग हाउस के साथ बेटा कुछ समस्याएं थी, एक तो ये बहुत लेंथी प्रोसीजर था, शाम को चेक जा रहे हैं, ये चेक अगले दिन वो जाएंगे, अगले दिन वहां से पेमेंट आएगी, तो ये बहुत लंबा टाइम लग जाता। तो अगर क्लियरिंग हाउस उसी शहर में नहीं है तो और दिक्कत आती थी। जैसे कि सपोज करें मैं शिमला में बैठा हूं, बेटा मैं शिमला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूं, मेरे यहां पर एक कस्टमर ने आके चेक डाला स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, शाम को एसबीआई ने खोला, उसने कहा ये कुछ नया सा चेक लग रहा है, आज तक तो कभी आया नहीं। उन्होंने बताया हाँ ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, फॉरेन बैंक है, अभी अभी बाहर से आया, भारत में ब्रांचें खोली हैं इसने अच्छी खासी, तो हमारे यहां अभी आया नहीं है शिमला में। उन्होंने कहा अच्छा शिमला में नहीं है, कोई बात नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं क्लियरिंग हाउस के अंदर। क्लियरिंग हाउस जाके बैठा, उसको दिक्कत समझ आई, सारे बैंकों के लोग थे वहां पर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का बंदा नहीं था, क्यों होगा वो वहां पे जब उसकी ब्रांच ही नहीं है, वो वहां क्लियरिंग हाउस में क्या करने आएगा, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक किसको दे, ये शाम को बेटा थक हार के वापस ले आया। उन्होंने कहा सर कोई मिला ही नहीं पकड़ने के लिए इस चेक को वहां पे। अब आप समझे दिक्कत आ रही है, क्लियरिंग मैनुअल सिस्टम में दिक्कत तो आनी थी, क्योंकि हो सकता है कुछ जगह एक्चुअली उसका रिप्रेजेंटेटिव ही ना मिले। तो फिर किसी ने इनको बताया कि ऐसा करो चंडीगढ़ चले जाओ, शिमला के पास ही पड़ता है, वहां ब्रांच है, वहां मिलेगा इसका रिप्रेजेंटेटिव। तब एसबीआई ने कहा रखो साइड में, जब चंडीगढ़ जा रहा होगा तब भिजवा देंगे, और लटक गया काम आपका। आप चेक डाल तो आए स्टेट बैंक में इंडिया के अंदर, अब वो क्या कहते हैं, इसको कहते थे वो आउट स्टेशन चेक है, क्लियरिंग में आउट स्टेशन क्लियरिंग में जाएगा। आउट स्टेशन क्लियरिंग का मतलब क्या होता था, ये समस्या कि भैया वहां ब्रांच ही नहीं है, किसको दे के आए, ये आउट स्टेशन जाएगा। इस सारी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बंद करो क्लियरिंग हाउस, हम काम को इलेक्ट्रॉनिक करेंगे। हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक करेंगे, उसने कहा हां, पर्पस क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ आईसीआईसीआई के चेक पड़े हैं जो उसने आईसीआईसीआई तक पहुंचाने हैं, ये पर्पस था क्लियरिंग का। और क्यों पहुंचाने थे, ताकि आईसीआईसीआई उसके ऊपर सिर्फ सिग्नेचर मैच कर सके। आईसीआई के बेटा उस कागज के टुकड़े से कोई प्यार नहीं है, उसको सिर्फ क्या दिक्कत है कि वो जो ए का सिग्नेचर है वो जरा मैं मैच कर लूं, भैया मुझे ए का सिग्नेचर देखने दो तब मैं पेमेंट कर पाऊंगा। उसने कहा ये तो आज की टेक्नोलॉजी में स्कैंड कॉपी से भी तो हो जाएगा, बात बिल्कुल पते की बोली उन्होंने। ये कहते हैं ये एक दूसरे को मिल मिल के क्यों पास ऑन करते रहते हो चेक्स, ऐसा करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तू सारे चेक्स की स्कैंड कॉपी बना, उसमें से जो एसबीआई जो आईसीआईसीआई के वो आईसीआई को भेज दे, जो एक्सिस के हैं वो एक्सिस को भेज दे, जो एचडीएफसी है एचडीएफसी को भेज दे, ऐसे ही वो तुम्हें भेज देंगे। बेटा उन्होंने कहा हम क्यों करते हैं, आरबीआई आगे आया, उसने कहा मैं ही ये काम उठाता हूं। उसने क्या शुरू किया, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यानी कि जो पहले मैनुअल क्लियरिंग सिस्टम था उसको कन्वर्ट करके बदल दिया ई क्लियरिंग सिस्टम में। ई क्लियरिंग में क्या होता है, अब एक पोर्टल डिजाइन कर दिया गया, पोर्टल आप समझते हैं सुबह से शाम तक हम वेबसाइट खोलते हैं, उनके एक पोर्टल होते हैं। अब इन बैंकों को क्या क्या आ गया, आपको हम एक मशीन देंगे, वो मशीन बेटा ऐसी सी होती है, इस शेप की होती है, उसमें क्या होता है एक साइड से चेक जाता है दूसरी साइड से घूम के वापस आ जाता है, यानी कि आप इधर से इंसर्ट करते हैं चेक को, वो एक राउंड काटता है दूसरी साइड से वापस आ जाता है, एंड इट इज वेरी फास्ट। आप 500 चेक रखें तो फटाफट घुमा के वो 2 मिनट में इधर आए, जैसे आपकी नोट गिनने की मशीन होती है,
यू नो किस स्पीड से वो नोट गिन रही होती है। यहां भी क्या आपको सिर्फ चेक लगाने हैं और वो झट घुमा घुमा के वापस ले आएगा। वो घुमाते वक्त क्या कर रहा होता है, उसकी एक स्कैंड कॉपी जनरेट कर रहा होता है। वो जैसे ही 500 चेक घुमाते हैं, उन 500 चेक की एक स्कैंड कॉपी सामने सिस्टम पे आ जाती है, वो उस पोर्टल पे लोड कर दिया जाता है, एसबीआई का काम खत्म। अब वो पोर्टल खुद देखेगा उसमें से कौन से आईसीआई के हैं, कौन से एक्सिस के हैं, वो उनके तक पहुंचा देगा और एसबीआई को अपने वाले चेक मिल जाएंगे। क्या क्लियरिंग हाउस रिप्लेस हो गया? बिल्कुल हो गया। ये जो आपने प्रोसेस किया घुमाने का, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रंकेशन। इसका नाम, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रंकेशन। एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जो जनरेट हो गई, ई कॉपी, इसको हम बोलते हैं अ ट्रंकेटेड चेक। तो आप समझेंगे ट्रंकेटेड चेक कोई अलग चेक नहीं होता, ट्रंकेटेड चेक वही कागज पे लिखा हुआ चेक ही होता है, लेकिन क्लियरिंग के पर्पस के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड दैट इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ चेक इज नोन एज अ ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक क्यों चाहिए था? अब ये ट्रंकेशन कौन कर सकता है? ये ट्रंकेशन ये बैंक खुद भी कर सकता है, या इस बैंक ने शायद इस काम के लिए अपना एक अलग डिपार्टमेंट खोला हो जिसको वो क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। अब समझे नाम वही पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में अब वो क्लियरिंग हाउस वो वाला क्लियरिंग हाउस नहीं है। ये क्या है? बैंक का अपना एक अलग ब्रांच होगा जहां वो सारे चेक इकट्ठे कर, मान लो बेटा दिल्ली है, वहां पे बहुत सारी ब्रांचेज है, तो हर ब्रांच शाम को स्कैन करे, अच्छा क्या कहते हैं, सारे चेक उठा के एक ब्रांच में भेज दो, वो बैठ के शाम को स्कैन करती रहेगी। तो हम क्या कहते हैं, या तो पर्टिकुलर ब्रांच करती है या उसका क्लियरिंग हाउस करता है। और क्यों करता है? फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग। तो दिस इज नोन एज अ ट्रंकेटेड चेक। क्या ये वाली समस्या भी सुलझ गई होगी उससे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाली? अब कोई दिक्कत नहीं है, स्कैन ही तो करना है, कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ब्रांच है या नहीं है, तो स्कैन मार अपने आप चला जाएगा। पॉइंट इज, ये समस्या भी सुलझ गई। एक और आजकल कंसेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक में फर्क क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक चेक जो, सॉरी, जो ट्रंकेटेड चेक है, वो आप समझते हैं वो पेपर फॉर्म में इशू किया गया है चेक ही था, वो इनिशियली कागज पे चेक था, उस पर पेन से ही साइन किए गए थे, वो सिर्फ स्कैन कर दिया गया। और क्यों किया गया? कस्टमर ने नहीं किया, वो बैंक ने अपने काम के लिए किया। कस्टमर को तो शायद पता भी नहीं, आपने शायद पहली बार सुना होगा कि आपके चेक के साथ ये हरकत होती है। दूसरा तरीका क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक चेक, जहां पर मैं एज ए कस्टमर चेक पहले दिन लिखता ही ई फॉर्म में हूं, यानी कि मेरे पास कोई चेक कागज में आता ही नहीं, मैं वेबसाइट पे जाता हूं, वहां मेरे सामने एक चेक जनरेट हो जाता है, वहां मैं पेई का नाम लिखता हूं, वहां मैं अमाउंट लिखता हूं, और साइन कैसे करूं, पेन से स्क्रीन के ऊपर? नहीं, वहां मैं अपने डिजिटल सिग्नेचर लगाता हूं। तो आप समझेंगे आजकल एक नया कंसेप्ट आया हुआ है टू रिप्लेस द मैनुअल सिग्नेचर, समथिंग कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। आप आईटी में और ज्यादा पढ़ेंगे, ये प्राइवेट की और पब्लिक की के कंसेप्ट पे चलता है। राइट नाउ प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा, डिजिटल सिग्नेचर कुछ नहीं होता है, एक पेन ड्राइव में मिलता है आपको, यू इंसर्ट इट, वो आपको कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, अपलोड कर लीजिए, आप उस पेन ड्राइव में से वो फाइल उठा के वहां अपलोड कर देते हैं। दैट इज समथिंग विच मीन्स यू हैव वेरीफाइड दैट चेक, वो आपने वेरीफाई किया। नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब इलेक्ट्रॉनिक चेक सर प्रैक्टिकली कहीं मिलेगा? बेटा मैंने काफी वेबसाइट बैंकों को ढूंढने की कोशिश करी, फिलहाल मेरे ख्याल अगर आप आईसीआईसीआई की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको आईसीआईसीआई की वेबसाइट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चेक के बारे में थोड़ा बहुत मिल जाएगा। बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुए हैं, अभी यूज होने शुरू नहीं हुए हैं, बुक का कंसेप्ट है। इनफैक्ट जो 2015 में अमेंडमेंट आई थी उसी के थ्रू लाए गए हैं, तो अब इसको आया हुआ बहुत टाइम भी नहीं हुआ। प्रैक्टिकली हमने किसी को भी इश्यू करते देखा नहीं इलेक्ट्रॉनिक चेक, बट द कंसेप्ट इज कि यहां पर चेक पहले दिन से ही ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, साइन डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू किया जाता है। देयर इज नेवर अ चेक एग्जिस्टिंग इन पेपर फॉर्म। जबकि ट्रंकेटेड चेक में क्या होता है, चेक पेपर फॉर्म में ही बनाया गया होता है, बैंक तक वैसे ही जाता है, पे के पास भी वैसे ही गया होता है, बैंक ड्यूरिंग द क्लियरिंग सिस्टम उसको ट्रंकेशन करके बदल देता है। तो दीज आर टू थिंग्स। और आप समझेंगे जब हमने चेक की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके नीचे दो बातें लिखी हुई थी, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स, दिस वॉज द अमेंडमेंट जो 2015 एक्ट ने इंट्रोड्यूस करी, द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया मीनिंग ऑफ ट्रंकेटेड चेक। अ ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल ईदर बाय द क्लियरिंग हाउस और बाय द बैंक, वेदर पेइंग और रिसीविंग पेमेंट।
इमीडिएटली ऑन द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज, किस लिए? फॉर ट्रांसमिशन एंड सब्स्टिट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक इन राइटिंग. हम ये क्यों करते हैं? ताकि फिजिकल मूवमेंट ना करनी पड़े चेक की, वो इलेक्ट्रॉनिकली मूव हो जाए. इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है? अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो पहले दिन से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ड्रॉ किया गया है बाई यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स एंड साइंड इन अ सिक्योर्ड सिस्टम विद डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. अच्छा एक बात और देखें, कलेक्टिंग बैंक की क्या जिम्मेवारी है? कलेक्टिंग बैंक कौन सा था हमारे एग्जाम्पल में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. द कलेक्टिंग बैंक शैल वेरीफाई विद ड्यू डिलीजेंस एंड ऑर्डिनरी केयर द प्राइमा फेसी जेन्युइननेस ऑफ द चेक टू बी ट्रंकेटेड. क्योंकि बेटा आप समझें, क्या अब चेक आईसीआईसीआई बैंक के पास जाएगा ट्रंकेशन के टाइम में? नहीं, उसके पास उसकी स्कैंड कॉपी जाएगी. हम कहते थे आईसीआईसीआई बैंक को, भैया तुझे कॉपी चाहिए ही क्यों? वो कहता था जी सिग्नेचर मैच करने. मैंने कहा तो स्कैन पे भी हो जाएंगे. वो कहता सर कई बार ना ये देखना होता है कि चेक अपने आप में ठीक है, ये ना हो वो फोटोकॉपी हो, किसी ने किसी के चेकबुक उठाई हो उसकी फोटोकॉपी करा ली हो उस चेक की. मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअल में चेक मेरा इशू किया हुआ असली चेक है भी कि नहीं है, उस पर कोई कटिंग तो नहीं है, चेक मुड़ा दुड़ा तो नहीं था, कहीं टेप तो नहीं लगी हुई थी उसके ऊपर. ये बातें स्कैनिंग में कैसे पता चलेंगी? बट आप समझे, चेक को मैंने दो फटे हुए टुकड़ों को चिपका के स्कैन कर दिया, वो भी स्कैन नहीं दिखेगा. चेक अगर असली कागज के टुकड़े पे नहीं था, वो फोटोकॉपी पे आया हुआ था, आपने उसकी स्कैन कर दी, स्कैन कॉपी ये नहीं बता सकती कि असली चेक की कॉपी है ये फोटोकॉपी कॉपी. वैसे जैसे गिनने वाली मशीन नहीं बता पाती कि नोट असली है या नकली है. इसके लिए क्या है? वो हाथ की फील चाहिए होती है. जब कैशियर गिनता है तो वो नकली नोट को झट निकाल के बाहर करता है कि ये नकली है, क्योंकि उसको गिन गिन के कागजों की फील से पता आ चुका होता है कि असली चेक कैसा फील करता है. यही फील बेटा चेक के रिस्पेक्ट में बैंक को भी होती है. वो जैसे ही अपने चेक को उठाता है उसको पता चल जाता है असली है कि नकली है, क्योंकि एक्सपीरियंस बताता है कि मेरा कागज नहीं है. हमने कहा देखिए सर, पहले आईसीआईसीआई बैंक कहता था ये जिम्मेवारी मैं निभाता था कि मेरा चेक असली है कि नहीं है, अब क्योंकि ये चेक आप मुझे भेजते नहीं हो, थोड़ी सी जिम्मेवारी आप भी उठाओ. तो समझ बेटा कलेक्टिंग बैंक की जिम्मेवारी बढ़ गई, उसको दूसरे बैंकों के लिए चेक इंश्योर करने पड़ रहे हैं कि देख लेना भैया चेक जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि स्कैंड कॉपी भेज रहे हो तुम मुझे. तो हमने क्या लिख दिया? ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग बैंक. The collecting bank shall verify with due diligence and ordinary care the prima facie genuineness of the check to be truncated. यानी कि जो चेक का फोटो स्कैन करने में लगे हुए हो, ट्रंकेट करने में लगे हुए हो, वो जेन्युइन है कि नहीं देख लें. And as to whether any fraud, forgery or tampering is apparent on the face of the instrument. कहीं से उस इंस्ट्रूमेंट को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा उसके ऊपर कोई टेम्पर किया गया है या फ्रॉड किया गया. जिम्मेवारी किसकी डाल दी हमने? कलेक्टिंग बैंक की डाल दी. लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक फिर भी महावैमी बैंक बन जाए और क्या कहे, मुझे स्कैंड कॉपी में सिग्नेचर साफ नहीं दिख रहे, मुझे तो असली चेक ही चाहिए, क्या वो असली चेक मंगवा सकता है? लॉ ने अभी भी परमिट किया हुआ है, भैया अगर बैंक पेइंग बैंक पेमेंट करने से पहले चाहता है तो फिर ट्रंकेटेड करने के बाद भी उसको ओरिजिनल कॉपी भेज दो उठा के. तो हमने क्या किया, इन केस ऑफ एनी रीजनेबल सस्पिशन अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक, एग्जाम्पल सस्पिशन एज टू फ्रॉड, फॉर्जरी, टेम्परिंग, डिस्ट्रक्शन एसेट्रा, द पेइंग बैंक इज एंटाइटल्ड. पेइंग बैंक मतलब ड्रॉई बैंक, एक ही वर्ड होगा आप समझेंगे. पेइंग बैंक के मशे ड्रॉई बैंक होगा, यस, क्योंकि उसी के ऊपर चेक ड्रॉ होगा, उसी ने ही पेमेंट करनी है. द पेइंग बैंक इज एंटाइटल्ड टू डिमांड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रंकेटेड चेक और डिमांड द प्रेजेंटमेंट ऑफ ट्रंकेटेड चेक इटसेल्फ फॉर वेरिफिकेशन. जहां तक बेटा मुझे उम्मीद है पेपर में वो ये पूछ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड अ ट्रंकेटेड चेक, क्योंकि वो सारा कंसेप्ट लगभग यहां से समझ जाएगा. कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, गिव इट अ रीड. मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है. आफ्टर दैट आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ चेक, चेक कैसा दिखता है, एंड देन द डिफरेंस बिटवीन अ चेक एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज. रीड दिस डिफरेंसेस, सारे डिफरेंसेस आपको समझ आ जाएंगे. फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू 6 to 7 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशियंट. उससे ज्यादा का पेपर में वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि आएगा. आई हैव गिवन यू 12 पॉइंट्स, बहुत ज्यादा दिए हुए हैं. अच्छा ये वाला पॉइंट नीचे का देख लीजिएगा, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ए चेक. क्योंकि आप समझे डिफरेंस के चक्कर में हम सिमिलैरिटीज भूल जाते हैं. पहली बात, दोनों बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं. बोथ आर बिल ऑफ एक्सचेंज, बोथ हैव थ्री पार्टीज, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई. द ड्रॉयर एंड पेई मे बी वन एंड द सेम पर्सन, दोनों सेम भी हो सकते हैं. हमने देखा सेल्फ का चेक और वहां पे टू मी और माई ऑर्डर. द बोथ मस्ट बी रिटर्न एंड साइंड. Both must contain an unconditional order to pay a certain sum of money.
बोथ में भी एंडोज, सारी बातें क्या है, यह है सिमिलैरिटीज। तब समझे पेपर में कई बार वो इसका क्वेश्चन को बड़ा करने के क्या पूछ सकता है, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इलेबोरेट दिस स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ चेक एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपको स्टेटमेंट देगा और क्या कहेगा, सिमिलैरिटीज ही बता दीजिए इसके बीच में, डिफरेंसेज ही बता दीजिए, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। नाउ वी आर ऑफिशियली डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, जो मैंने आपको बोला था कि मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। हियर एंड्स द इंट्रोडक्शन पार्ट, आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन।